ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୁଲାମୀର ଶୃଙ୍ଖଳ ହଟିଯାଇଥାଏ। ପୁନେରେ ଶ୍ରୀ ଗୀତା ଭକ୍ତି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଭୂମି, ଏଠାରେ ଗୁରୁ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ବୀର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ହେବାରୁ 500 ବର୍ଷର ଗୁଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସନ୍ଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଭବ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପୁନେରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।